Hello everyone, this is Sonia Saini, your SS teacher, and today we are going to study our chapter 5 in geography class 8 and the chapter name is industries. आज के चैप्टर में हम इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. हम इसमें ये देखेंगे कि जैसे कि आपके पास एक नोटबुक है, बुक है आपकी, तो उसमें जो पेपर बनता है वो कैसे बनता है, उसकी जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जो स्टेज बाय स्टेज ये चीज़ें कैसे होती हैं, और जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये कितने टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती हैं. जैसे कि कुछ इंडस्ट्री होती हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती हैं, कुछ मिनरल बेस्ड होती हैं, और एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जो उसकी लोकेशन को अफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर को भी हम डिस्कस करेंगे. तो आइए जानते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट टॉपिक विल बी इंडस्ट्रीज सेकेंडरी प्राइमरी एक्टिविटीज. जो इंडस्ट्रीज हैं ये हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आती हैं. तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, सेकेंडरी एंड टर्शरी. तो जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं जिससे जो प्रोसेस फॉर्म होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, वो इंडस्ट्रीज़ में होती हैं. सेकेंड जो टॉपिक है दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़. इंडस्ट्री को क्लासीफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज एंड ऑनरशिप. Then we will discuss about the factors affecting the location of the industries. कि कोई इंडस्ट्री है उसको कहाँ सेट करना है, कहाँ उसको लोकेट करना है, इस प्रोसेस में कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, उनको डिस्कस करेंगे. Then we will discuss about the industrial system. जो इंडस्ट्रीज में जो सिस्टम है ये कैसे होता है. जैसे आप कंप्यूटर में पढ़ते हो इनपुट प्रोसेस आउटपुट, तो ऐसे ही ये सिस्टम इंडस्ट्रीज में होता है, इसको डिस्कस करेंगे. फिर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंडस्ट्रियल रीजन. इंडस्ट्रियल रीजन में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कैसे एक दूसरे के पास में सेटअप की जाती हैं, तो उनको गवर्नमेंट से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं. देन वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़. जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं इनके डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे. इसमें हम डिस्कस करेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में. तो ये जो जमशेदपुर में इंडस्ट्रीज़ हैं ये हमारे इंडिया की रहेगी, और पिट्सबर्ग में जो ये एक फॉरेन कंट्री की, यहाँ पे एक इंडस्ट्री सेटअप होगी आयरन एंड स्टील, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस अबाउट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. यहाँ भी एक हम हमारे इंडिया की कंट्री लेंगे और एक फॉरेन कंट्रीज़ में जो इंडस्ट्री सेटअप है उसका एग्जाम्पल लेंगे. फिर हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं IT, इसका क्या रोल है, इसको डिस्कस करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर. तो चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है ताकि हम जो चैप्टर को समझ सकें, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो बेस है हमारा वो क्रिएट हो सके. हैव यू एवर गिवन अ थॉट टू द फैक्ट दैट नोटबुक यू यूज़ फॉर राइटिंग हैज़ कम टू यू आफ्टर ए लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. तो यहाँ पे जैसे कि ये डायग्राम दिया हुआ है, इसी की हेल्प से हम इसको समझेंगे कि जैसे ये नोटबुक दी हुई है, आपने कभी सोचा है कि जो नोटबुक में ये जो पेपर बने हुए हैं ये कैसे बनते हैं, इसकी जो पूरी प्रोसेस होती है ये कैसे होती है, और ये पूरी एक लॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है तब आपके पास ये नोटबुक रेडी होके आती है. तो इस नोटबुक की जो जर्नी है ये कहाँ से स्टार्ट होती है, इसकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है, एक ट्री से स्टार्ट होती है. तो जैसे कि पहले ट्रीज को कट किया जाता है, इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं पल्प मिल में, वहाँ से ट्रीज से क्या किया जाता है, ट्रीज को प्रोसेस कन्वर्ट करके वुड पल्प तैयार किया जाता है, और उस वुड पल्प में फिर कुछ केमिकल्स मिला करके उसको फाइनली एक पेपर की फॉर्मेट में मशीन की हेल्प से पेपर बनाए जाते हैं. फिर उस पेपर में जो प्रेस होती है इंक से, उस पेपर के ऊपर लाइनिंग की जाती है, ठीक है, फिर उसकी बाइंडिंग की जाती है. तो इस तरह से एक नोटबुक रेडी होती है, फिर उसकी पैकिंग करते हैं और फिर मार्केट में उसको सेल करने के लिए सेंड कर देते हैं. तो इस तरह से फाइनली फिर वो मार्केट से आप उसको बाय करके लाते हो तो आपके पास वो नोटबुक आती है. तो ये जो इतनी पूरी लंबी प्रोसेस है, ये प्रोसेस किस में आती है, ये सेकेंडरी एक्टिविटी की प्रोसेस है. इसे हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया था. तो इससे क्या होते हैं, जो रॉ मटेरियल है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में यही होता है, जो रॉ मटेरियल है उसमें प्रोडक्ट तैयार किया जाता है कुछ ज़्यादा वैल्यू ऐड करके. यू हैव बीन सीन द पल्प वॉज चेंज इन टू पेपर. अभी हमने नोटिस किया
कि पल्प से हमने बनाया पेपर, पेपर से बनाई नोटबुक। तो जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है, ये जो प्रोसेस है, इसमें स्टेज बाय स्टेज कुछ चीज़ें ऐड होती गई, और जैसे जैसे चीज़ें ऐड होती गई इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उसकी वैल्यू भी ऐड होती गई और उसकी प्राइस भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होते जाएंगे। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं, एक कॉटन से जब हम क्लॉथ बनाते हैं तो ऐसी प्रोसेस होती है, कॉटन से पहले थ्रेड बनता है, थ्रेड से क्लॉथ, क्लॉथ से शर्ट, फिर आप उसको बाय करते हो। तो इसी तरह से ये पूरी प्रोसेस चलती है। तो अब बात करेंगे इंडस्ट्री। इंडस्ट्री एक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जहाँ पे क्या होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ये सारी एक्टिविटी एंगेज रहती हैं पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ में। तो इसमें हमारे पास मेनली कौन से इंडस्ट्रीज़ पे हम फोकस करते हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसमें हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, कोयल माइनिंग इंडस्ट्री, इसमें जो कोयल है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, टूरिज्म इंडस्ट्री, ये एक सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री है, इसमें और आ सकती हैं जो हमारी बैंकिंग सर्विस हैं, वो भी एक इंडस्ट्री की तरह ही है। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्री हैं उनको डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज एंड ऑनरशिप। नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्रीज हैं, रॉ मटेरियल बेस्ड, वो कौन सी होती हैं, ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं, इनको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड एंड मैरिन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो इन मटेरियल्स, जो मिनरल्स को यूज़ करके अपना प्रोडक्शन यूज़ करती हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे, रॉ मटेरियल्स में भी फर्दर टाइप हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या होते हैं, जो भी प्रोडक्ट हमें एज अ रॉ मटेरियल प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं उनको हम यूज़ करते हैं कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग हो गई। इसमें हम मान लेंगे कि जैसे हमने प्लांट से हमने टोमेटो लिया, टोमेटो से टोमेटो केचप तैयार हुआ, फूड प्रोसेसिंग हो गई। ऐसे ही कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेदर इंडस्ट्री, ये सब क्या है, ये वो रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं और फिर फाइनली जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं। नेक्स्ट है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में क्या होती है, इनको प्राइमरी इंडस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि जो मिनरल ओर्स है ना, उसको ये एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। प्लस ये जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये जो भी मटेरियल, जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं, वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ को भी फीड करते हैं, देते हैं, जिससे वो आगे जो दूसरी इंडस्ट्री है वो नया प्रोडक्ट तैयार करती है। जैसे कि जो आयरन है वो आयरन ओर से बनाया जाता है, तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। तो इसमें और क्या क्या आ जाएंगी, जैसे कि हैवी मशीनरी जो भी बनती है हमारी, बिल्डिंग मटेरियल है, रेलवे कोचेज हैं, ये सब एग्जाम्पल है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के। अब हम डिस्कस करेंगे मैरिन बेस्ड इंडस्ट्री। मैरिन बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती हैं, ये वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो भी प्रोडक्ट हमें सी और ओशन से मिल रहा है उसको हम एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे कि हम सी फूड को प्रोसेसिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग फ़िश ऑयल, तो ये किसके एग्जांपल है, ये मैरिन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल है। फिर हम बात करेंगे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में क्या होते हैं, वो रॉ मटेरियल जो हमें फॉरेस्ट से मिल रहा है और हम उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जैसे वुड पल्प का भी हमने एग्जांपल देखा था पेपर बनाने के लिए। इसी तरह से जितने भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, नेचुरल हर्ब्स का यूज़ करते हैं, फर्नीचर है वो वहाँ से जो जंगल फॉरेस्ट से वुड मिलती है, बिल्डिंग्स, ये सब किससे मिलता है इनको एज ए रॉ मटेरियल, ये फॉरेस्ट से। अब हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज में क्या होते हैं, जो इंडस्ट्री हैं वो डिपेंड करेगा कि उसको कितने अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, मतलब कितने अमाउंट ऑफ मनी की रिक्वायरमेंट है उसको वो इंडस्ट्री सेटअप करने में। नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, कि कितने जो वर्कर हैं, जो लेबर हैं, जो भी एम्प्लॉय वो रखेंगे काम करने के लिए, कितने अमाउंट में या कितने नंबर ऑफ पीपल की रिक्वायरमेंट है। द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कि उनको किस तरह का प्रोडक्शन करना है, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन करना है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है, तो इस बेसिस पे जो इंडस्ट्री का साइज है वो डिसाइड किया जाता है। तो अब साइज में हम मोस्टली पढ़ेंगे स्मॉल साइज, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो जो कॉटेज हैं, जो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज होती हैं ना, ये नॉर्मली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती हैं। इनमें क्या होता है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है वो बाय हैंड होती है, ठीक है। और कौन करता है, जो आर्टिशंस होते हैं वो लोकल लेवल पे एक स्मॉल बिजनेस है उसमें वो करते हैं, जैसे कि बास्केट वीविंग, पॉटरी, हैंडीक्राफ्ट, ये सब एक कॉटेज इंडस्ट्री के एग्जाम्पल हैं।
तो इनमें और क्या होता है, इनमें एक तो अमाउंट होती है मनी की, वो भी कम लगेगी, और जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री, वो ये टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस और न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते हैं। तो अब जो इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज़ हायर एंड टेक्नोलॉजी यूज इज़ सुपीरियर इन लार्ज स्केल। तो अब लार्ज स्केल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है इसके कंपेयर में ज़्यादा तो अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, मनी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, प्लस जो टेक्नोलॉजी है वो सुपीरियर होती है एज़ कम्पेयर टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जैसे सिल्क वीविंग, फूड प्रोसेसिंग, ये तो आ जाती है हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। अब जैसे कि हमें ऑटोमोबाइल सेक्टर है जो हमारा, हैवी मशीनरी बनती हैं, ये किस तरह से होती हैं स्मॉल, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। अब डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पे जो इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया गया है, दैट इज़ प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं, वो इंडस्ट्री जिस जो ओन करता है, मतलब जो ओनर है, जो मालिक है उस इंडस्ट्री का, वो कौन हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जैसे आप ओपन करते हो अपने लेवल पे कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करते हो, आपके पास काफ़ी मनी है, तो वो क्या होगी, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है। या आपने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके एक इंडस्ट्री सेटअप कर दी, दैट इज़ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। अब पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं, वो गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। फिर है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री में क्या होती है, ये ओन एंड ऑपरेटेड, मतलब जो इनके ऑनर होते हैं और इनकम इंडस्ट्रीज को रन कर रहे हैं, जो चला रहे हैं, वो कौन होते हैं, स्टेट और इंडिविजुअल्स दोनों मिलकर के, या फिर कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, ठीक है, दोनों पार्टी मिलकर के इस इंडस्ट्रीज को चलाती हैं। दैट इज मारुति उद्योग लिमिटेड, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री का। अब बात करते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर्स। कोऑपरेटिव सेक्टर्स में जो इंडस्ट्री हैं ये कैसी होती हैं, ये ऑन एंड ऑपरेटेड बाय, कौन करता है इनको, जो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, या जो सप्लायर है रो मटेरियल के, वर्कर, बोथ, ये सब मिलकर के रन करते हैं, एक कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री होती है ये। जैसे कि इसका एग्जांपल में आ जाएगा, जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है, सुधा डायरी, ये कोऑपरेटिव वेंचर है, ये लोग मिलकर के रन कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो रो मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं और जो वर्कर्स हैं काम कर रहे हैं, सबका इसमें पार्ट होता है। Now we will discuss the factors affecting the location of industries. तो इसमें हम इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज जो सेटअप करने में जो फैक्टर नोटिस किए जाते हैं, उनमें से जो फर्स्ट फैक्टर है रो मटेरियल, कि आपको कहाँ इंडस्ट्री सेटअप करनी है, क्या वहाँ से आपको जो रो मटेरियल आपकी इंडस्ट्री के लिए चाहिए वो ईजिली अवेलेबल होगा या नहीं होगा। देन लेबर, कि जो आपने पर्सन हायर करने हैं अपने इंडस्ट्री में काम करने के लिए, स्किल्ड लेबर चाहिए, अनस्किल्ड लेबर चाहिए, वो वहाँ पे है। कैपिटल, कितने अमाउंट आपको वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करने में, आपकी मनी कितनी, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी लगेगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इज़ रिक्वायर्ड और नॉट। मार्केट से कितना वहाँ पे डिस्टेंस है, मार्केट से एक्सेसिबल है या नहीं है, वाटर फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, प्लस पावर, पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे है या नहीं है, लैंड किस तरह की है, यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, आपको मान लो मार्केट तक जाना है तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम भी यहाँ पे वेल डेवलप होना चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, जब हम कोई इंडस्ट्री की लोकेशन डिसाइड करते हैं तो इन फैक्टर्स को माइंड में रख कर के ही हम कोई इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। तो अब जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी इनिशिएटिव लेना स्टार्ट कर दिया है, जब भी कोई इंडस्ट्री सेटअप होती है तो वो क्या करते हैं, उनको सब्सिडीज प्रोवाइड कराते हैं पावर की, उनके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उनको कम कर देते हैं, एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट इंडस्ट्री में बी लोकेटेड इन द बैकवर्ड एरियाज। ये सब गवर्नमेंट किस लिए करती है, गवर्नमेंट इसलिए करती है ताकि जो बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हो जाएंगी। इससे क्या होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वो जो एरिया है उसमें डेवलपमेंट हो जाएगी, जो वो जो टाउन है, सिटी है, उसकी ग्रोथ होगी। इसीलिए गवर्नमेंट भी उन लोगों को सब्सिडीज़ प्रोवाइड करवाती हैं और इस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सिस्टम। इंडस्ट्रियल सिस्टम में क्या होते हैं, इसमें पूरी प्रोसेस होती है, जैसे इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट में इंडस्ट्रियल सिस्टम में क्या क्या लगता है, इनपुट में रिक्वायरमेंट रहती है किस तरह का रॉ मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो,
किस तरह के लेबर आपको रिक्वायरमेंट है, कॉस्ट ऑफ लैंड कितनी लगी है आपकी, ट्रांसपोर्ट किस तरह का यूज़ कर रहे हो आप, या फिर कितना ट्रांसपोर्ट है या वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें आती हैं इनपुट में। अब प्रोसेस में क्या करते हो आप, प्रोसेस का काम यही होता है रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाना है, मतलब कोई एक चीज़ है वो भी प्रॉपर मैनर में नहीं है, उससे करके एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार करना है हमने, दैट इज़ फिनिश प्रोडक्ट। तो जो आउटपुट निकल के आता है, उसे तैयार होके आता है, वो होता है एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट में क्या होगा कि उस प्रोडक्ट को सेल करके हम कितनी इनकम अर्न कर सकते हैं, दैट इज़ आवर एंड प्रोडक्ट। तो इस केस में हम जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, अगर उसका एग्जांपल लेके इसको समझें, तो इसमें इनपुट लगी कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, और प्रोसेसिंग क्या हुई इस कॉटन इंडस्ट्री में, गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग उस क्लॉथ के ऊपर, ये सब करने में, और जो आउटपुट में रिजल्ट तैयार हुई, शर्ट तैयार हुई फाइनली, ठीक है। तो कॉटन क्या थी, रॉ मटेरियल, उससे जो क्लॉथ तैयार हुआ, क्लॉथ तैयार हुआ, उस क्लॉथ पे डिज़ाइन किया, उस पर प्रिंटिंग की, उसकी वीविंग की, ये सब करके वो क्लॉथ तैयार हुआ, उस क्लॉथ से जो शर्ट बनी, ये प्रोडक्ट है और ये आउटपुट रहा। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल रीजन के। इंडस्ट्रियल रीजन अमर्स व्हेन ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस। तो इंडस्ट्रियल रीजन को हम कैसे समझेंगे, जैसे कि ये है, यहाँ पे आपने अपनी इंडस्ट्री सेटअप की, यहाँ पे आपके फ्रेंड्स हैं और उन्होंने अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर ली, तो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास जब आपने अपनी इंडस्ट्री को लोकेट कर लिया, तो इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि आप किसी भी तरह के जो बेनिफिट्स हैं वो सब शेयर करोगे। तो इस ये जो एक जगह पे इतनी सारी इंडस्ट्री है, इस एरिया को क्या कहा जाएगा, इस एरिया को कहा जाएगा इंडस्ट्रियल रीजन। इंडस्ट्रियल रीजन यही होता है कि जहाँ पे जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट भी इस पर्टिकुलर एरिया को सपोर्ट करती है। अब एक ही जगह पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी, तो उससे जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होंगी, यहाँ पे थोड़ी सी लीनियंट रहेंगी, गवर्नमेंट लिबरल रहेगी, गवर्नमेंट यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी, हो सकता है कुछ रॉ मटेरियल्स में लिबरल हो जाए उनकी पॉलिसीज़, इस तरह से जो बेनिफिट शेयर करने के लिए जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो एक दूसरे के क्लोज लोकेट करते हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ को। तो अब देखते हैं वर्ल्ड की जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं उनके बारे में। ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। अब जब इंडिया की बात करते हैं, इंडिया हैज सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स। इंडिया में भी जो इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट। तो ये कुछ रीजन है, यू कैन रीड दिस नेम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन, वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो वर्ल्ड में जितने भी मेजर इंडस्ट्रीज हैं, जब हम उनकी बातें करते हैं, तो उनमें कौन कौन सी इंडस्ट्री आती हैं, उनमें आती हैं हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आईटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो जो आयरन एंड स्टील और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैं, ये काफ़ी पुराने इंडस्ट्री हैं, इनको हम बहुत पहले से ही ये एस्टैब्लिश हो चुकी थी, लेकिन जो आईटी इंडस्ट्री है ये अभी एमर्ज हुई है, ठीक है, कुछ सालों पहले ही एमर्ज हुई है। तो अब हम बात करेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में क्या होती है, वही प्रोसेस चलती है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इसी तरह से किसी प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। तो इन इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है, इनको फीडर इंडस्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि जो ये प्रोडक्ट तैयार करते हैं वो दूसरी कंपनी के लिए क्या होता है, एक रॉ मटेरियल की तरह वो उनको यूज़ करते हैं उस प्रोडक्ट को। तो अब देखेंगे हम यहाँ पे इसको रीड करके कि किस तरह से ये जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं, दूसरी कंपनी उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती है। तो जैसे कि इन्होंने इनपुट में लिया रॉ मटेरियल, आयरन ओर लिया, कोयल, लाइमस्टोन, इनको लिया, प्लस इन्होंने लेबर, कैपिटल साइट, ये सारी चीज़ें एज अ इनपुट यूज़ की। अब इन्होंने इसकी प्रोसेस की, तो आयरन ओर को कन्वर्ट करके इन्होंने क्या बनाया, उसमें स्टील मिला लिए कुछ वे कम्प्लीट करके। तो ये जो रॉ मटेरियल था, इसको किस तरह से स्टेप्स में कन्वर्ट किया इन्होंने, ब्लास्ट फर्नेस वेयर इज अंडरगोज द स्मेल्टिंग, तो इसको स्मेल्ट कराया। स्मेल्ट होता है मीन्स उसको मेल्ट करा देना बहुत ज़्यादा, बिल्कुल हाई टेम्परेचर पे। देन इट इज़ देन रिफाइंड द
आउटपुट ऑब्टेंड इज स्टील. तो जब उसको पूरी तरह से आयरन ओल्ड को मेल्ट कराया गया बहुत हाई टेम्परेचर पे, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे डायग्राम दिया हुआ है. यह है ब्लास्ट फर्नेस कि यहाँ पे आप देख रहे हो, तो इसमें जो आयरन ओर लाइमस्टोन ये सब डाला गया है. तो जो ब्लास्ट फर्नेस में यहाँ से हॉट एयर जा रही है, तो यहाँ से तो निकालते हैं मोल्टन आयरन, और यहाँ से जो इसका दूसरा पार्ट है स्लैग वो निकाला जाता है. तो इससे जो भी इन्होंने स्टील को तैयार किया है, अब ये स्टील को दूसरी इंडस्ट्रीज में दे देते हैं, और वो जो दूसरी इंडस्ट्री है उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती है. स्टील इज टफ एंड इट कैन ईजिली बी शेप कट एंड मेड इन टू वायर. जो स्टील है वो टफ होती है, लेकिन इसको दूसरी शेप में कन्वर्ट करना भी ईजी हो जाता है. इसको हम कट कर सकते हैं और इससे वायर भी बना सकते हैं. और जो स्पेशल अलॉयज तैयार किए जाते हैं, अलॉयज होते हैं कि जो ये जो स्टील है इसके साथ कुछ और मेटल्स मिला दिए जाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर, इनके साथ मिला दिया जाता है ताकि उसको और हार्ड बनाया जाए, थोड़ा सा टफ बनाया जाए, और जो रस्ट है उसको जंग लगने से बचाया जाए. इस तरह की ये जो फीचर्स ऐड करने के लिए ये मिक्स किया जाता है. जो स्टील है इसको बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री कहा जाता है. मॉडर्न इंडस्ट्री की बैकबोन क्यों कहा जाता है, इसके भी रीज़न है. इसको इसलिए कहा जाता है कि जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं तो वो आयरन और स्टील से बनी हुई है. जितने भी टूल्स हैं हमारे, मशीनरी है, वो सब जितने मैक्सिमम जो चीज़ें हैं इन्हीं से बनी हुई हैं. जैसे शिप, ट्रेन, ट्रक्स, ऑटोज आर मेड द लार्जली ऑफ द स्टील. अगर हम बात करें इवन द सेफ्टी पिन्स, नीडल्स, ये सब भी स्टील की बनी हुई हैं. तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टील का यूज़ करते हैं, स्टील और आयरन का यूज़ करते हैं. ठीक है, जो फार्म मशीन्स होती हैं वो भी इन्हीं से बनी हुई हैं. ऑयल वेल में जो ड्रिल करने के लिए मशीनरी यूज़ की जाती हैं वो भी स्टील की होती हैं. तो अब हम बात करते हैं द बेस्ट लोकेशन बिफोर द 1800 AD. 1800 AD में जो बेस्ट लोकेशन होती थी आयरन और स्टील इंडस्ट्री को सेटअप करने की, लोकेट करने की, वो किस बेसिस पे होती थी, वो देखते थे कि जो रॉ मटेरियल है, पावर सप्लाई है, जो रनिंग वाटर है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, वहाँ पे लगाते थे. फिर उन्होंने उसके बाद जो दूसरा टाइम पीरियड है अपने पास वो है 1800 to 1915. यहाँ पे अब क्या रहा था, यहाँ पे इन्होंने आइडियल माना था उस लोकेशन को जो कोयल फील्ड के पास थी, जो कैनल्स और रेलवेज के पास थी, क्योंकि अब इन्हें समझ में आने लगा था कि जो रॉ मटेरियल है, पावर सप्लाई है, वाटर है, इसके अलावा भी जो दूसरा सोर्स है वो और भी इससे बेटर है, कोयल फील्ड है. इससे भी हम अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं कैनल्स, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट के लिए. इन्होंने काफ़ी इनको यूज़ किया, फिर उन्होंने इस पे जोर दिया, यहाँ पे सेटअप करने लगे. बट द बेस्ट लोकेशन आफ्टर 1950, इनके बाद इन्होंने कहाँ पे ज़्यादा फोकस किया आयरन और स्टील इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए, एरिया ऑफ फ्लैट लैंड नियर द सी पोर्ट के पास, क्योंकि यहाँ पे अब जितने भी आयरन ओर्स हैं उनको इम्पोर्ट किया जा सके ओवरसीज से, ठीक है, दूसरी जगह से उनको इम्पोर्ट किया जा सके. इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड, टेकिंग नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं इसको, एडवांटेज ऑफ द रॉ मटेरियल्स. तो अब हमारी कंट्री में हम एडवांटेज लेते हैं रॉ मटेरियल्स, चीप लेबर्स, ट्रांसपोर्ट और मार्केट की, क्योंकि हमारी कंट्री में ये चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं. जो लेबर है यहाँ पे काफ़ी चीप है, ट्रांसपोर्ट भी हमारा जो नेटवर्क है ट्रांसपोर्ट का वो बेटर है. तो इस तरह से ये जो इंडस्ट्री है वो ग्रो हुई है. तो जब हम मेजर स्टील इंडस्ट्री सेंटर्स की बात करते हैं तो उनमें किन किन का नेम आता है, उनमें नेम आता है भिलाई, दुर्गापुर, बरनपुर, जमशेदपुर, रोरकेला, बोकारो. सो दीज आर द नेम कि आप रीड करेंगे अपने आप. फिर है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर. तो जो हमारी कंट्री की जो सबसे पहला जो प्लांट था और जो सबसे फेमस है, जो ट्रस्टवर्दी प्लांट जिसे कहा जाता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, इसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी. ये एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, और ये स्टार्ट हुई थी 1907 में एक सांची नेम की जगह है, वहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सुवर्णरेखा एंड खारकाई इन झारखंड. तो झारखंड में जहाँ पे ये दो रिवर आपस में मिलती हैं उसके पास ये इस प्लांट को लोकेट किया गया था. अब जमशेदपुर में ये प्लांट लोकेट इसलिए किया गया था क्योंकि वहाँ पे जो जोग्राफिकली वो जगह बिल्कुल सुटेबल थी इस प्लांट के लिए. जो भी कंडीशंस चाहिए होती हैं, जो भी फैक्टर हमने डिस्कस किए थे,
एक इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए वो सारे फैक्टर यहाँ पे सूटेबल थे, इसीलिए इसको वहाँ पे लोकेट किया गया। अब जो सांची है इसका नेम बाद में जमशेदपुर कर दिया गया है, जमशेदपुर जी टाटा के नाम पे। तो अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, दिस प्लेस वॉज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कालीमटी स्टेशन ऑन बेंगोल नागपुर रेलवे लाइन। तो ये जो डिस्टेंस था वो भी कम था, वो इजीली ट्रांसपोर्ट के थ्रू आ जा सकते थे, मटेरियल जो भी इन्हें चाहिए था उन्हें मंगवा सकते थे। प्लस इट वॉज क्लोज टू द आयरन और कोल मैगनीज डिपॉजिट एज वेल एज टू द कोलकाता विच प्रोवाइडेड लार्ज मार्केट। तो अब यहाँ से तो ये आयरन और कोल मैगनीज डिपॉजिट कर ही सकते थे, साथ में अभी किसके पास थी, कोलकाता मार्केट के पास थी, जो इन्हें सामान की रिक्वायरमेंट है उसको ईजिली एक्सेस कर सकते थे। तो अभी जो टिस्को थे इनको कोल कहाँ से लेते थे, कि वहाँ पे जो झारिया कोयल फील्ड थी वहाँ से लेते थे। आयरन और लाइमस्टोन डोलमाइट मैगनीज ये सब उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की साइड से लेते थे। और जो खारखाई और जो सबन रेखा जो रिवर है यहाँ से प्रॉपर वाटर सप्लाई हो जाती थी। प्लस जब इन्होंने अपनी कंट्री में इतना सेटअप किया, आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी, जॉब मिल रही थी, तो गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिया और इनको फाइनेंशियली कैपिटल एडुकेट कैपिटल प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दिया, ताकि इसकी और जो डेवलपमेंट है वो हो सके। तो अब जो डेवलपमेंट हुई थी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इससे क्या हो गया था, जो दूसरी इंडस्ट्रीज थी उनकी डेवलपमेंट के जो डोर थे वो भी ओपन हो गए थे। कैसे, क्योंकि जो अभी हमने डिस्कस किया आयरन और स्टील इंडस्ट्री से ये जो भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे थे, जो दूसरी इंडस्ट्री थी वो उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते थे, तो उनकी भी ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो गई। अब बात करते हैं पिट्सबर्ग में, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए की ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी कही जाती है इसको। और जो स्टील सिटी है पिट्सबर्ग, ये लोकेशनल एडवांटेज है, जहाँ पे इसको लगाया गया है वहाँ पे जो लोकेशन होनी चाहिए एक इंडस्ट्री को सेट करने की पूरी सुटेबल है। तो यहाँ से इनको क्या मिलता है, जो रॉ मटेरियल है वो जैसे कि जो कोयल यूज़ करते हैं वो ईजिली अवेलेबल हो जाता है। आयरन ओर्स है वहाँ पे, जो आयरन माइंस है मिनेसोटा में वो सिर्फ 1500 किलोमीटर दूर है पिट्सबर्ग से, तो वो भी इजीली अवेलेबल हो गया। अब जो इनका रूट है जिसे वर्ल्ड का बेस्ट रूट कहा जाता है, माइंस और पिट्सबर्ग से लेकर जो शिपिंग करते हैं ये ओर की, वो भी काफ़ी चीप है। और इसको किस नेम से जाना जाता है, इसका फेमस नेम है ग्रेट लेक वाटरवेज। और ये जो सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके लिए यहाँ पे ट्रेन प्रॉपरली सेटअप है, ट्रेन का नेटवर्क। अब जो पिट्सबर्ग है यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं स्टील मिल्स के अलावा भी, बट दे यूज स्टील एज देयर रॉ मटेरियल टू मेक मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट। इसके अलावा भी और फैक्ट्रीज हैं, लेकिन जो स्टील है जो भी जो दूसरी इंडस्ट्री है वो उसको क्या यूज़ करती है, कोई और नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे रेल रोड इक्विपमेंट बनाए, कोई हैवी मशीनरी बनाई, रेल्स बनाए, तो इसीलिए वहाँ पे ये इस तरह से फेमस है। अब हम बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी पुराने टाइम से हो रही है, एक एंशंट आर्ट है कि क्लॉथ को वीविंग किया जाए। तो जब हम बात करते हैं कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स, तो इन सब का यूज़ किस तरह से किया जाता है क्लॉथ बनाने में। तो अब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसको मटेरियल बेस पे भी, रॉ मटेरियल के बेस पे भी हम इसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि जो फाइबर्स रॉ मटेरियल होते हैं इसको भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। अभी जो फाइबर है ये भी दो तरह से होते हैं, नेचुरल और मैनमेड। नेचुरल में आते हैं हमारे वूल, सिल्क, कॉटन एंड जूट, और मैनमेड में आते हैं जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयन, आर्केलिक, ये सब मैनमेड फाइबर्स हैं। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये पूरे वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है। जब हम बात करते हैं 18th सेंचुरी में जो रिवॉल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उससे पहले उस टाइम तक क्या हुआ था, उससे पहले तक ये जो कॉटन के क्लॉथ होते थे इनको बाय हैंड स्पिनिंग की जाती थी, व्हील से इस तरह से स्पिनिंग की जाती थी। लेकिन 18th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है उसके बाद क्या होने लगा, पावर लूम्स यूज़ किए जाने लगे। ठीक है, पावर लूम्स मतलब कि अब मशीनें यूज़ की जाने लगी, इलेक्ट्रिक मशीनें होती थी, जिससे कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उन्होंने इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, काम जल्दी हो जाता था। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन जितना टाइम लगाते हैं उस काम को करने में उससे फास्ट हो जाता था। तो इसको फर्स्टली कहाँ सेटअप किया गया, ग्रेट ब्रिटेन में, और बाद में वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में आ गई थी। तो आज जो इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर हैं कॉटन टेक्सटाइल के उनमें कौन कौन सी कंट्री का नेम आता है, उनमें नेम आता है इंडिया, चाइना, जापान एंड
यूएसए। तो इंडिया का जो है जो ट्रेडिशन रहा है काफ़ी ग्लोरियस रहा है कि अच्छी क्वालिटी की कॉटन टेक्सटाइल, जो अच्छी क्वालिटी का कॉटन है उसको प्रोड्यूस करने में। तो हमने जब हिस्ट्री में ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ा तो हमने वहाँ पे ये चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे इंडिया में जो क्लोथ्स तैयार होते थे वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे और काफ़ी वाइड मार्केट थी। तो इसमें जो उस टाइम की चीज़ें थी जैसे द मसलिन ऑफ ढाका, चिंटजीज ऑफ मासुलीपट्टनम, कैलिकॉज ऑफ कैलिकट, गोल्ड रोड कॉटन पीस ऑफ भरनपुर, सूरत, वडोदरा वर नोन द वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी एंड डिज़ाइन। तो ये कुछ जगहों के नेम हैं जो पूरी दुनिया में अपनी अच्छी क्वालिटी और डिज़ाइन के लिए काफ़ी फेमस हैं। तो जो प्रोडक्शन है हैंड वूवन कॉटन टेक्सटाइल का वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता था और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी होता था। तो जो ट्रेडिशन में जो ये स्टाइल था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, ये जो अब जो नई टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आई, जो मशीनरीज थे वो इसको फेस नहीं कर पाई क्योंकि जो वेस्ट में चीज़ें प्रोड्यूस होती थी मशीन से वो काफ़ी चीप होती थी और जो उनकी क्वालिटी थी वो भी अच्छी होती थी, वो अच्छा फाइबर यूज़ करते थे। अब जब हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडर्न टेक्सटाइल इस्टेब्लिश हुई थी वो हुई थी मुंबई में 1854 में। इसके पीछे रीज़न था कि इसको मुंबई में ही क्यों इस्टेब्लिश किया गया, क्योंकि जो इसके लिए जो भी एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जो ज्योग्राफिकल कंडीशन चाहिए होती हैं वो प्रॉपर सूटेबल थी। वहाँ पे मॉइस्ट क्लाइमेट था, पोर्ट था ताकि जो मशीनरी है उनको इजीली इंपोर्ट कराया जा सके, रॉ मटेरियल भी वहाँ पे इजीली अवेलेबल, प्लस जिस तरह के स्किल्ड लेबर चाहिए थे वहाँ पे वो भी था, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्री थी काफ़ी ग्रो हुई वहाँ पे। तो इनिशियली जो इंडस्ट्री थी स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र और गुजरात में किया गया क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट था। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, जो ह्यूमिडिटी है इसे हम आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकते हैं। और जो अब इंडिया में हम बात करते हैं कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पानीपत, ये कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पे फाइन क्वालिटी की जो कॉटन है इंडस्ट्री सेटअप है। अब इसी में हम एग्जांपल देखते हैं इंडिया में अहमदाबाद का। अहमदाबाद की बात करेंगे हम तो ये गुजरात में साबरमती रिवर के पास है और इसकी जो फर्स्ट मिल थी वो इस्टेब्लिश हुई थी 1859 में। इट इज सून बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया आफ्टर द मुंबई। तो मुंबई के बाद जो सबसे बड़ी टेक्सटाइल सिटी है वो है अहमदाबाद और इसे इंडिया का मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि जो भी लोकेशन होनी चाहिए एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए फेवरेबल वो सारी यहाँ पे अवेलेबल थी। तो जिसकी वजह से जो इंडस्ट्री थी अहमदाबाद में काफ़ी अच्छे से डेवलप भी हुई थी और अहमदाबाद इज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द कॉटन ग्रोइंग एरिया। तो अहमदाबाद कहाँ पे लोकेट है, एक ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे जो कॉटन है वो अच्छे से ग्रो हो जाता है, उसकी सॉइल इसके लिए काफ़ी सूटेबल है और इसकी वजह से जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है क्लॉथ्स के लिए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, वो इजीली अवेलेबल हो गया। प्लस वहाँ पे जो ह्यूमिड क्लाइमेट है वो स्पिनिंग और वीविंग के लिए वो भी परफेक्ट है। तो इसीलिए डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र प्रोवाइड द बोथ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर। तो वहाँ पे जो लोग थे वो भी स्किल्ड और सेमी स्किल्ड दोनों तरह के थे, जिस तरह के उनको रिक्वायरमेंट थी। प्लस काफ़ी डेवलप्ड रोड्स और रेलवे नेटवर्क्स थे जिसकी वजह से वो ट्रांसपोर्टेशन भी उनको इजीली मिल रहा था कि किसी भी कंट्री के किसी भी पार्ट में इन चीज़ों को वो ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, आसानी से किसी भी मार्केट में पहुँच सकते थे, ठीक है। और मुंबई में जो पोर्ट है वो इतने अच्छे थे जिससे वो मशीनरी को इम्पोर्ट कर सकते थे और जो कॉटन टेक्सटाइल है उनको एक्सपोर्ट कर सकते थे। अब बात करते हैं ओसाका की। ओसाका एक टेक्सटाइल सेंटर है जापान की। अब जो जापान, इसको क्या कहा जाता है, जापान का मैनचेस्टर ऑफ जापान। तो ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ओसाका की, इसकी भी जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं वो काफ़ी सूटेबल हैं, इसीलिए ये वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो पाई। जो एक्सटेंसिव प्लेन अराउंड द ओसाका एंश्योर दैट लैंड वॉज ईजिली अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। तो काफ़ी प्लेन एरिया होने की वजह से वहाँ पे जो कॉटन है वो इजीली ग्रो हो जाता है, तो जो भी मटेरियल उनको चाहिए वो कॉटन मिल्स से इजीली मिल रहा है। प्लस वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट है वहाँ पे स्पिनिंग और वीविंग के लिए। अब वहाँ पे जो रिवर योदो है वहाँ से उनको सफिशेंट अमाउंट में वाटर भी मिल रहा है, लेबर भी इजीली अवेलेबल है और जो पोर्ट्स हैं वो भी वहाँ पे काफ़ी परफेक्ट लोकेशन पे हैं जिससे वो रॉ मटेरियल जो कॉटन चाहिए होता है उनको इम्पोर्ट करते हैं और जो भी टेक्सटाइल्स हैं उनको एक्सपोर्ट करते हैं। अब जो इनका जो भी रॉ मटेरियल है वो क्या होता है, ये कम्प्लीटली किस पे डिपेंड है, ये ओसाका, ये
ये रॉ मटेरियल पे डिपेंड है जिनको ये इंपोर्ट करते हैं, और जो इनके प्रोडक्ट होते हैं मोस्टली ये सारे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट ही करते हैं, दूसरी कंट्री में सेंड करते हैं। जो इनकी जो मार्केट है वो काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि गुड क्वालिटी की चीज़ें को लो प्राइस में देते हैं। अब इतनी अच्छी इंडस्ट्री होने के बाद भी वहाँ पे जो फेमस हैं ज़्यादा वो क्या है, आयरन एंड स्टील, मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज। अब बात करते हैं हम इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की। इमेजिन हाउ मच यू कुड बी अकम्प्लिश्ड इफ कंपनीज कुड ऑपरेट ऑन 20 आवर्स फॉर 24 आवर वर्क डे। तो आप कभी इमेजिन कर सकते हो कि कोई एक कंपनी है वो 24 आवर काम करे। तो कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जैसे कि जो USA और इंडिया में जो बेंगलोर है यहाँ पे, इन्होंने अपना हेड ज्वाइन किया हुआ है एक पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए कि ये डेज की शिफ्ट वर्क में काम करेंगे अक्रॉस द ओशियंस, एक दूसरे से कंट्री से अलग रहते हुए भी काम करेंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे दो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, डैनी है वो सिलिकॉन वैली से है कैलिफोर्निया से, और स्मिथा है ये बेंगलोर में इंडिया से। तो दोनों एक जॉइंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। तो ये काम कैसे करते हैं कि जैसे यहाँ पे हमारे इंडिया में डे होता है तो उस टाइम USA में नाइट होती है, तो अपोजिट चलते हैं। तो ऐसे ही जब डैनी वहाँ पे काम कर लेता है तो वो क्या करता है, अपना काम होने के बाद पूरी रिपोर्ट मैसेज में सेंड करके जो भी वर्क की प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है वो स्मिथा को सेंड कर देता है। फिर जब स्मिथा नेक्स्ट डे ऑफिस जाती है वो मैसेजेस को देखती है और वो भी अपना काम करके इसी तरह से रिवर्ट करती है, मैसेज सेंड करती है वापस, अपनी रिपोर्ट को सेंड करते हैं। तो इसी तरह से क्या होते हैं, अलग अलग जगह होते हुए भी वो कम्युनिकेट कर पाते हैं एक दूसरे से और एक साथ काम कर रही हैं। तो ये सब किसकी वजह से हो पाया है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो इंडस्ट्री है ये किससे डील करती है, स्टोरेज प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो भी हमने काम किया उसको स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब उसको हम शेयर कर सकते हैं। टुडे दिस इंडस्ट्री हैज़ बिकम ग्लोबल एंड दिस इज़ ड्यू टू अ सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इवेंट। तो ये जो इंडस्ट्री है ये ग्लोबल कैसे हुई है कि जितने भी इवेंट्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिक इवेंट्स, ये सब की वजह से। और जो मेन फैक्टर है जो इस इंडस्ट्रीज के लिए वो क्या है, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो बैंगलोर है, बैंगलोर में जो लोकेटेड है, कहाँ है ये, डेक्कन प्लेट्यू पे लोकेटेड है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सिलिकॉन प्लेट्यू, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है सिटी का वो कैसा रहता है, माइल्ड क्लाइमेट रहता है हमेशा। और जो सिलिकॉन वैली है ये कहाँ पे है, सेंटा क्लारा वैली है, ठीक है, नेक्स्ट टू द रॉकी माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पे भी टेम्परेट क्लाइमेट रहता है, जो टेम्परेचर है वो मुश्किल से ही कभी 0 डिग्री से नीचे जाता होगा। और जो लोकेशनल एडवांटेज है जैसे कि सिलिकॉन प्लेट्यू बेंगलोर में और सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में, ये काफ़ी सुटेबल हैं। तो इसी वजह से क्या होते हैं, जो अदर सिटीज़ हैं हमारी कंट्री में, वहाँ पे क्या है, जैसे कि जो मेट्रोपॉलिटन सेंटर है इंडिया के, जिनकी हम बात करें जैसे मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और जो सिटीज़ हैं गुरुग्राम, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, चंडीगढ़, यहाँ पे ये क्या है, IT इंडस्ट्रीज सेटअप हैं। तो जो बेंगलोर है ये सबसे यूनिक एडवांटेज रखता है, क्योंकि यहाँ पे हाई क्वालिटी, हाईएस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ मिडिल एंड टॉप मैनेजमेंट टैलेंट, यहाँ के जो लोगों का टैलेंट है, जो स्किल्ड लेबर है, वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू अदर एरिया इन इंडिया। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।